इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में गाड़ी टकराने की बात को लेकर दिन दहाड़े प्रथम और विकी नामक बदमाश ने एक युवक पर हमला किया और चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र की है, जहां हीरानगर थाना क्षेत्र की जनकपुरी कॉलोनी में गाड़ी टकराने की बात को लेकर रितेश यादव का प्रथम और विक्की से विवाद हुआ। इसके बाद प्रथम और विक्की ने रितेश यादव पर चाकू से हमला किया और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद रितेश को शरीर पर 2 से 3 चाकू मार दिए, जिसके कारण रितेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के बाद रितेश की मौत हो गई तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इंदौर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और जिस तरह से बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो घटनाक्रम है, ये गायत्री नगर का घटनाक्रम है। ये कृतेश पिता राजू जाधव करके एक लड़का था, वो अपनी बुआ सरला के घर पर वहाँ गया था। वो कुछ घर के बाहर खड़ा था तो वहाँ से एक जो आरोपी था प्रथम उज्जैनी और उसका साथी विक्की चौहान, और ये प्रथम का पिता भी वहाँ खड़ा था, प्रकाश नाम है उसका, तो इनकी इसी बात पर कहा सुनी हुई, गाली गुप्ता हुआ। तो अपने ये रितेश ने जो है प्रथम को झापड़ वापड़ मारा, तो उसी बात पर से उसने फिर चाकू निकाल के रितेश को जो वाइटल पार्ट्स होते हैं उस पर मार दिया, तो उससे उसकी मृत्यु हो गई।